हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यूस्टडी क्लासेस। मैं ये स्वागत करता हूँ आप सबके अपने जो आईक्यूस्टडी में है। दोस्तों, ये RRB NTPC और RRC ग्रुप डी का GS का प्रैक्टिसर 33 है। अगर इससे पहले वाले GS का प्रैक्टिसर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजिट के जाके देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राज मन्नार, ऑप्शन बी KC पंत, ऑप्शन सी KC नियोगी, ऑप्शन डी AK चंदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी KC नियोगी। देखिए, KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं। 1951 में वित्त आयोग के गठन के समय KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष डॉक्टर राज मन्नार थे। वहीं KC पंत 10वें अध्यक्ष थे जो 1992 में बने थे। वहीं तीसरे अध्यक्ष AK चंदा थे जो 1960 में बने थे। वहीं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी अटलांटा, ऑप्शन डी फ्लोरिडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अटलांटा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वसा। सिनेवर किसका प्रमुख अक्ष है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पारा। देखिए, सिनेबर पारा का अयस्क है। पारा एक द्रव धातु है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट यह सब लो अयस्क है। और चांदी का हॉर्न सिल्वर, पायरागाराइट, रूबी सिल्वर। वहीं तांबा का क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन ए फॉरस, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी डोबर, ऑप्शन डी बेरिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिब्राल्टर। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। वहीं डोबर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। वहीं बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। वहीं पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वहीं मलक्का जल संधि मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। वहीं फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करती है। भारत में नन्हा सा बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा के पारादीप के पास, ऑप्शन बी तमिलनाडु के चेन्नई के पास, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में मुंबई के पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र के मुंबई के पास। देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई के नन्हा सा बंदरगाह स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। गुजरात का कंडला बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मार्मागोवा, ऑप्शन डी पारादीप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पारादीप। देखिए, पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। वहीं कोलकाता पूर्वी तट पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं चेन्नई पूर्वी तट तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुंबई पश्चिमी तट महाराष्ट्र में स्थित है। कोच्चि पूर्वी तट केरल में स्थित है। कांडला पूर्वी तट गुजरात में स्थित है। विशाखापट्टनम पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिवाजी और औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? ऑप्शन ए अमर सिंह राठौर, ऑप्शन बी राजा जय सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राजा बर्मल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा जय सिंह। राजा जय सिंह को भेजा था शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। शिवाजी का जन्म 1687 में हुआ था। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी।
पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह तथा शिवाजी के बीच हुई थी। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी ने, ऑप्शन बी रानी कर्णावती ने, ऑप्शन सी रानी कृष्ण कुमारी ने, ऑप्शन डी रानी हंसाबाई ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रानी कर्णावती ने। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डूरंगपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी भरतपुर में, ऑप्शन डी टोंक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भरतपुर में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति न्यूयॉर्क में स्थित है। यह सबसे ऊंची मूर्ति है। अमेरिका को यह मूर्ति टुकड़ों में फ्रांस ने भेंट किया था। यह मूर्ति तांबा तथा अन्य धातुओं से मिलकर बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।